मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। परमेश्वर के बहुत बड़े अनुग्रह के द्वारा हम एक दूसरे से मिल पाते हैं हर दिन पवित्र आत्मा के साथ। इस छोटे से संदेश के द्वारा वापस इस समय मेरी प्रेम भरी बधाई बताकर, आज की भविष्यवाणी का वचन मैं आपको बताकर, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। परमेश्वर मेरी सहायता करे, आमेन। परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर आता है, वह वचन मेरे ही लिए है प्रभु, मैं इसे भरोसा करता हूं, ऐसा ही तो करने वाला है यीशु के नाम से। अगर आप ऐसा कह दो तो परमेश्वर आपका आदर करेगा, आप आशीष बनकर रहेंगे, यही उसकी इच्छा है। इस पे कोई और सोच नहीं है, परमेश्वर आपको चलाएगा। ठीक है, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। योहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 9वां वचन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। किसके बारे में कहा गया है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही कहा गया है। इस जगत में किसी भी मनुष्य को, हर एक मनुष्य को, उसमें बहुत ही बड़े शराबी, कठोर, बहुत ही बात करने वाली औरतें, बहुत ही जबरदस्त हथियारे, इस दुनिया में जो जो बुरी से बुरी पाप है, सभी चीजों करने वाला कोई भी हो, उस मनुष्य को मेरा प्रभु जब छूता है एक प्रकाश में जीवन में ले जाने के लिए, सिर्फ हमारा परमेश्वर ही कर सकता है, आमीन। वही कहता है ये शब्द, सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाले, वही यीशु मसीह है। आपके जीवन में अगर ज्योति नहीं है, बिल्कुल ऐसी ज्योति जो बिल्कुल जलती हो या लो वोल्टेज हो, हमारे गल के बल्ब जो है बिल्कुल धीमी 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 घट जाती है, शायद हमारी जिंदगी ऐसे हो सकती है। पर परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रकाश में हो, आपके प्रार्थना की जिंदगी में, अभिषेक में, आर्थिक स्थिति में, अपने काम पर, आपके बच्चों को बढ़ाने वाली बात में, आप प्रकाश में होने वाले हैं। ठीक है, परमेश्वर के नाम से बोलिए कि यह मेरे लिए है। ठीक इसी समय एक और वचन भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय और 6 और 7 वचन। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। यह जो है सामर्थ हम मिट्टी के बर्तनों में उसने रखा है, मतलब क्या है? अभिषेक। पौलुस बताता है हमारे हृदयों में जो है यह हमारी ओर से नहीं है, हमारे हृदय में परमेश्वर ने इसे प्रकाश में बनाया है, वह सामर्थ अभिषेक है। अभिषेक ही आपके जीवन को प्रकाश में मनाता है। इसलिए प्रतिदिन मैं यह राय बताता हूं कि पवित्र आत्मा पे भरोसा रहिए, उसके साथ चलिए, अपने आप को अर्पित कीजिए कि उसके साथ चले। आंखें जो आंसू से भरी रहती है उसे ठीक करता है। प्रार्थना करें, वो आपको चलाएगा। प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रभु यीशु राजा, हमारे जीवन जो है अंधकार में फंस गया है, हमारे लाइट ऑफ हो गए हैं, हमारे दिए बुझ रहे हैं, या फिर मुझे हाथ उठाकर ऊपर की ओर ले जाने वाले कोई नहीं है, कोई नहीं है, ऐसी वेदना के साथ अगर बैठे हो तो हे प्रभु मैं उनके लिए भार पाता हूं। हर एक मनुष्य को जो है प्रकाशित करने वाले यीशु, इस घर में आत्मा के रूप में तू वास करता है, तेरे बच्चों के हृदय में अच्छी तरह से अग्नि भड़के, धैर्य से उन्हें चला, सामर्थी बना, सदा तेरे में बने रहे, तेरे ही नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर में दृढ़ होकर रहिए। दूसरों को ये संदेश जरूर शेयर करें। जो जो शेयर किए हुए चीजों को पाते हैं उनका नाम बोलकर हाथ उठाकर उनकी तरफ प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542636। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।